आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोस्पेक्टर गेम के ऊपर। बहुत दिन से जो है मैंने वीडियो इस चैनल पे नहीं लाया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली अभी जो प्रॉफिटेबल क्या कुछ है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड मैं दो टूल्स के साथ में यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, एंड वो क्या कुछ है उसके बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अगर कोई लोग यहाँ पे पहले बार इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने जो है पहले से मेरे प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे प्रोस्पेक्टर गेम के ऊपर, हमने बेसिकली बहुत सारा वीडियो बिगिनर अगर आप लोग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते इस गेम के ऊपर एंड प्ले करना चाहते तो आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एंड इसमें जो है आप लोग कैसे फास्ट में आप लोग पहले अकाउंट बनाएंगे उससे लेके आप लोग कैसे कुछ माइनिंग करेंगे कैसे क्या कुछ करेंगे उसके ऊपर जो है पूरा वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख के यहाँ पे प्रोस्पेक्टर गेम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग टूल्स के ऊपर कुछ गोल्ड जो है ज्यादा से ज्यादा कैसे माइनिंग कर सकते हैं कैलकुलेट करके आप लोग को बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में पूरा आप लोग इस वीडियो को देखिए। एंड इस चैनल के ऊपर पहले बार विजिट कर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पे लेके आऊं तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाए, ताकि आप लोग जो है यहाँ पे इस गेम के अंदर एडवांटेज उठा सकते हैं, या तो कोई एनएफटी गेम जिसके ऊपर हम रिव्यू लेके आते हैं तो उसके ऊपर भी आप लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टर गेम की जो हम लोग यार्निंग करते हैं पीजीएल टोकन, तो पीजीएल की प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग यहाँ पे इसने जो है लगभग 2x तक जो है यहाँ पे गेन किया था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे लगातार डंप इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ लगभग 1x में, लेकिन वो भी स्टेबल नहीं हो पाया, तो यहाँ से लगभग 0.78 वैक्स से लेके यहाँ पे 89-90 तक जो है यहाँ पे स्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पाया। एंड अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो 0.69 वैक्स के अंदर अभी जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये एक जो सपोर्ट जोन है 0.64 वैक्स के अंदर जो है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो लगभग जो है 0.50 वैक्स के अंदर जो है यहाँ पे पीजीएल की प्राइस जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो अभी जो वार चल रहा है रूस एंड यूक्रेन के अंदर, तो जिसकी वजह से ये जो पूरा ऑपरेट होता है तो ये यूक्रेन के अंदर से होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप लोग देखेंगे आर प्लानेट भी अभी डाउन है। आर प्लानेट तो बेसिकली बहुत दिनों से डाउन है। एंड प्रोस्पेक्टर जो है मेरे को इस गेम में बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे प्ले करने के लिए, तो मैं बेसिकली हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि ये जो वन ऑफ द गेम है जिसको आप लोग को प्ले करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत बार बात किया है, आज वैसे बात नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं कैसे प्रॉफिटेबल आप लोग को हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यहाँ पे बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो जो है आप लोग को मिस ना हो। तो अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट नून करते हैं एंड मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर माइनिंग करते हैं आप लोग स्टोन, तो यहाँ पे पर केजी जो है 5 गोल्ड के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है अभी के टाइम पे। एंड वुड अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो वुड की प्राइस तो बहुत ही कम, लगभग 6 वही सेम रेट में जैसे स्टोन की प्राइस है वही है। कोल की प्राइस अगर आप लोग देखेंगे, कोल की प्राइस यहाँ पे 34 गोल्ड के अंदर पर केजी यहाँ पे बाई सेल हो रहा है। एंड क्ले अगर हम लोग देखते हैं वही सेम है। एंड यहाँ पे ओरे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ओरे जो है यहाँ पे 73 पर केजी जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ओरे की प्राइस हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया है उसके ऊपर, तो बहुत तो मतलब हाई गया था, लगभग 2000 गोल्ड के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन उस टाइम जो है टूल्स के अंदर हमने वीडियो नहीं बनाया था। तो जैसे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे गेम के अंदर एंट्री ले रहे तो इसे सीखते भी जा रहे, आप लोग को भी यहाँ पे बताते जा रहे। तो चलिए अभी जो बेसिकली हमारा जो वीडियो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैसे हम लोग जो है गोल्ड को ज्यादा थोड़ा यार्निंग कर सकते हैं। एंड आज की जो सोर्स है मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप लोग जो है ये ओरे जो है यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो मैं इसके ऊपर जो है आज की वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अभी के टाइम पे अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे ऑल जॉब के अंदर चलते हैं एंड टूल्स के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, ये जो है पिक्सल है एंड ये जो है सॉल्व है, तो यहाँ पे ये जो है 11 गोल्ड जो है यहाँ पे पर मिनट जो है हमको मिल रहा है। तो अभी हम इस प्लॉट के अंदर चलते है एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है जॉब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गुमराह करते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत देखना है, नहीं तो आप लोग धड़क से जाएंगे कि 11 गोल्ड यहाँ पे मिल रहा है तो आप लोग फटक से ये जो दो टूल्स है इसको बाय कर लेंगे, जब इस प्लॉट में जाएंगे तो यहाँ से माइनिंग करने के लिए आप लोग को नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा बहुत जरूर आप लोग को ध्यान देना है। एंड पिक्सल एंड गोल्ड प्यान अगर आपके पास में है तो आप लोग यहाँ पे 1.6 की अंदर जो है यहाँ पे गोल्ड पर मिनट यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टूल्स के अंदर जितना भी माइनिंग आप लोग करते थे तो वो थोड़ा जो है प्रॉफिटेबल यहाँ से आना जो है बंद हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। एंड जहाँ पे देखेंगे आप लोग
जो है ज्यादा थोड़ा गोल्ड मिल रहा है माइनिंग पे, टूल्स माइनिंग पे, तो वहां पे जो है आप लोग को जॉब करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे फुल होगा क्योंकि बहुत कम जॉब होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो पहले से थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल जो है यहाँ पे डायरेक्ट माइनिंग पे आप लोग को टूल से कम हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे, मतलब मैं अभी जो है सोच रहा हूँ कि आप लोग को कैसे ओरे के अंदर माइनिंग करवा के यहाँ पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ओरे अगर आप लोग माइनिंग करेंगे फ्री प्लॉट के ऊपर, तो उसके बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं यहाँ पे सिलेक्ट नून करते हैं एंड ओरे को अगर हम लोग माइनिंग करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्री प्लॉट के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए ये एक फ्री प्लॉट है एंड यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे रेड होता तो ये एक प्राइवेट प्लॉट होता, तो यहाँ पे माइनिंग आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ओरे के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब्स जो है 14 जॉब्स है एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 3 वर्कर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको वर्क करते हैं आप लोग खाली हाथ से, अगर आप लोग के पास में कोई टूल्स नहीं होगा तो आप लोग को जो है 0.3 शायद यहाँ पे ओरे जो है पर 4 आवर्स में आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जितने टाइम आप लोग यहाँ पे काम करेंगे, अगर आपने प्रीमियम पैक लिया है तो आप लोग को जो है फटाफट यहाँ पे माइनिंग करने के लिए मिलेगा। अगर टूल्स आपने की कोई मतलब प्रीमियम की बात आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बता देते, नहीं तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेगुलर पैक के अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 60 पॉइंट जो है मिलता है, 60 पॉइंट मतलब 60 मिनट जो है आप लोग को यहाँ पे मिलता है, जिसको आप लोग जो है माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे शायद सारे की यहाँ पे 4 आवर्स शायद हो चुका है एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं भी आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। 3 आवर्स मतलब 300 मिनट जो है यहाँ पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरा प्रीमियम पैक नहीं है, ये मेरा मतलब फ्री है तो रेगुलर है, मैंने प्रीमियम भी नहीं लिया था, 2-3 बार लिया था लेकिन अभी नहीं ले रहा हूँ। तो 300 मिनट जो है आप लोग को रेगुलर पैक के अंदर मिलता है, जहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, लगभग यहाँ पे 4 हर्ट्स तक यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर प्रीमियम वहाँ पे थोड़ा लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप लोग का एनर्जी जो है बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवरी होता है, जो लगभग मिनटों में यहाँ पे रिकवरी हो जाता है, तो तुरंत आप लोग जो है यहाँ पे फिर से माइनिंग कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप लोग यहाँ पे प्रीमियम लेते हैं। अगर आपके पास में रेगुलर है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप लोग को जो है यहाँ पे 20 USDT जो है आप लोग को यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, तब भी जाके जो है आप लोग यहाँ पे इस प्रीमियम पैक को ले सकते हैं। वरना अगर आप लोग लेना चाहे पीजीएल के अंदर, तो लगभग यहाँ पे 100 PGL जो है आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है प्रीमियम पैक के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कंफर्म करेंगे, अगर आपके पास में 100 PGL होगा तो आपको जो है 1 मंथ के लिए जो है पीजीएल यहाँ से बाय हो जाएगा। अगर आप लोग ज्यादा लेना चाहते हैं यहाँ पे 2 मंथ 3 मंथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को क्या कुछ मिलेगा, तो रेगुलर के अंदर जो है प्रोसेस लिमिट, अगर आप लोग कुछ बाय करते हैं, कुछ टूल्स अगर बाय करते सेल करते, उसमें जो है रेगुलर में आप लोग को सिर्फ 10 आप लोग बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम में 25। अगर सेल्स लिमिट अगर 25 यहाँ पे है एंड यहाँ पे रेगुलर में आप लोग सिर्फ 10 कर सकते हैं, ऑर्डर लिमिट आप लोग 10 है यहाँ पे एंड प्रीमियम में है 25 जो है आप लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। लाइफ टाइम एक्टिवेशन जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे रेगुलर में 16 मिलता है एंड प्रीमियम में 25 मिलता है एंड यहाँ पे 4:20 पॉइंट जो मिलता है, 4:20 मिनट जो है यहाँ पे मिलता है रेगुलर में, सॉरी प्रीमियम में, बस रेगुलर में आपको 60 मिलता है। तो इसको थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, हालांकि आप लोग अगर खर्चा थोड़ा करेंगे तो प्रीमियम में ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो चलिए ये तो है बात, लेकिन आप लोग अगर यहाँ से इसको माइनिंग करना चाहते हैं ओरे को, तो आप लोग को लगभग जो है यहाँ पे जो टाइमिंग लगेगा उसमें थोड़ा बहुत जो है आप लोग को ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप लोग ये 2 टूल्स के साथ माइनिंग करते हैं तो आप लोग को जो है पर मिनट मतलब यहाँ पे जो है माइनिंग थोड़ा ज्यादा यहाँ से हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 KG से ऊपर जो है ओरे आप लोग यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। हाँ, अब बहुत लोगों की यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आप लोग को जॉब भी यहाँ पे मिल जाता है जो प्रॉफिटेबल होता है इस टूल के साथ में, तो वो तो है, लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे जॉब्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं भी इसी टूल के साथ में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहले जॉब के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे माइनिंग के ऊपर समझेंगे। तो इस प्लॉट के ऊपर मैं अभी जो है माइनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को जो है पर मिनट जो है 1.15 जो है लगभग गोल्ड यहाँ पे माइनिंग मेरा हो रहा है। तो इसको माइनिंग करने के लिए मैं अभी जो है 5 हर्ट्ज यहाँ पे लग रहा है एंड यहाँ पे माइनिंग जो हो रहा है मेरे को ये लगभग जो है 328 जो है यहाँ पे मेरे को माइनिंग हो रहा है, सॉरी 328। ठीक है, अगर ये 328 में यहाँ पे माइनिंग करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेट आप लोग को बता देता हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ पे 5 हर्ट्ज यहाँ पे मिल रहा है, तो लगभग मेरे जो टूल्स है वो पर टूल यहाँ पे 100 हर्ट्ज जो है टूल्स की कैपेसिटी रहता है, तो
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता के चलता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग है, लाइफ टाइम जो है इसका 100 हर्ट्ज रहता है। तो मान लीजिए आपने ये दो टूल्स को बाय किया है, ठीक है, तो इस दो टूल्स को अगर बाय किया है, इसको अगर माइनिंग करें, तो इसकी पूरा कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये जो दो टूल्स है हम लोग को 100 हर्ट्ज जो है टोटल हमको प्रोवाइड करेगा वर्क करने के लिए। एंड हमको यहाँ पे जो लग रहा है 5 हर्ट्ज पर माइनिंग पे यहाँ पे लग रहा है। एंड पर माइनिंग पे हम लोग अगर टूल्स के साथ जॉब के अंदर माइनिंग करते हैं तो 23-28 मतलब पर 5 हर्ट्ज में हमको जो है गोल्ड यहाँ पे मिलेगा, जो यहाँ से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट मिल जाता है, तो ओरे अगर माइनिंग करते हैं तो आप लोग को मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, ये दो चीज के बारे में आज बेसिकली हमको बात करना है। तो यहाँ पे 328 अगर गोल्ड हम लोग पर 5 हर्ट्ज के अंदर माइनिंग करते हैं, लगभग 5 हर्ट्ज के हिसाब से आप लोग 20 × 5 इज इक्वल टू 100, तो 100 हर्ट्ज टोटल है। तो हम इसको इंटू हमको 20 बार जो है माइनिंग की चांस मिलेगा। एंड यहाँ पे 20 बार अगर हम लोग माइनिंग करते हैं तो लगभग जो है 6560 जो है यहाँ पे हम लोग को गोल्ड जो है टोटल यहाँ पे अर्निंग होगा इस दो टूल्स के साथ में, ठीक है। ये जो दो टूल्स है उसके साथ में हमको जो है 6560 जो है अर्निंग होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम लोग ये जो दो टूल्स की प्राइस क्या है इसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना सही रहेगा, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड न्यू हो तो जरूर चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अभी की प्राइस, अगर हम लोग यहाँ पे 100 हर्ट्ज 4P 710 यहाँ पे 710 प्लस यहाँ पे पिक्सल के अंदर चलते हैं। एंड पिक्सल यहाँ पे कितने प्राइस के अंदर सेल हो रहा है, ये है लास्ट प्राइस यहाँ पे 1967। तो देखिए फ्रेंड्स अभी की प्राइस जो है यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो आप लोग अगर वीडियो को थोड़ी देर में आप लोग को यहाँ पे मिलता है तो आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद में आप लोग जो है यहाँ पे माइनिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग जो है 2677 गोल्ड के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे पैक को बाय करेंगे। एंड ये जो दो टूल्स है हम लोग को बाय करने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगभग यहाँ पे 2677 गोल्ड जो है यहाँ पे लगने वाला है। एंड इससे अगर माइनस करते हैं 6560 तो ये जो है हमको टोटल जो है अर्निंग होगा। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो लगभग जो है 3883 जो है हम लोग को गोल्ड जो है यहाँ पे अर्निंग होगा, मतलब अपना खर्चा जाने के बाद में इतना जो है अपना अकाउंट में सेव होगा। तो यहाँ पे मतलब 3.8 जो है लगभग यहाँ पे पीजीएल जो है आप लोग को अर्निंग होगा। तो इसको अर्निंग करने के लिए बेसिकली मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो हमको जो है 20 हर्ट्ज जो है यहाँ पे माइनिंग 20 बार जो है आप लोग को माइनिंग करना पड़ेगा इस टूल के साथ में। एंड 20 बार्स के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं तो भी जाके जो है आप लोग को ये मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग प्रीमियम पैक लेते हैं तो 20 माइनिंग अगर प्रीमियम नहीं लेते तो लगभग यहाँ पे 5 ईयर्स के बाद में फिर से आपका जो है 5 ईयर्स एनर्जी आने के लिए लगभग यहाँ से 3-4 घंटा मतलब यहाँ पे लग जाता है। तो आप लोग बेसिकली अगर सोचेंगे तो 24 आवर्स में आप लोग चार से लगभग यहाँ पे 4 या 5 बार आप लोग यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। अगर 5 बार भी माइनिंग किए 24 हर्ट्ज में तो आप लोग को लगभग यहाँ पे जो है 4 डेज जो है यहाँ पे लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे प्रीमियम पैक नहीं लेते हैं तो आप लोग को जो है 4 डेज यहाँ पे लगेगा लगभग यहाँ पे 3883 गोल्ड को जो है आप लोग को प्रॉफिट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग प्रीमियम पैक ले लेते हैं तो आप लोग को जो है ये जो इन्वेस्टमेंट आपका 2 दिन के अंदर जो है यहाँ पे रिकवरी हो जाएगा। लेकिन वहां पे थोड़ा खर्चा भी आप लोग को आएगा तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं। तो अगर प्रीमियम लेते हैं तो ये जो अर्निंग है आपको 2 दिन के अंदर 2-2.5 दिन के अंदर आप लोग के पास में 3883 गोल्ड जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप लोग फ्री में भी अर्निंग करना चाहते तो आप लोग को 4 डेज यहाँ पे लग सकता है। तो ये रहा टूल्स की बात अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं क्या टूल्स में आप लोग को मैं यहाँ पे क्यों आप लोग सोचेंगे कि आप लोग टूल्स के अंदर तो आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है तो आप लोग टूल्स के अंदर ही बता देते। तो अभी अगर मैंने इसीलिए बताया यहाँ पे एक जॉब है जहाँ पे आप लोग को रेगुलर यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड ये एक जॉब है जहाँ पे 43.0 43/09 ये जो प्लॉट के अंदर अभी जॉब अवेलेबल है 1.5 गोल्ड ये भी यहाँ पे दे रहा है।
तो 1.4 1.5। तो अभी अगर आप लोग को पास में ये जो दो टूल्स अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हैं, इसमें अभी प्रॉफिटेबल है, तो लगभग अगर 1 से ऊपर गोल्ड कहीं से मिल रहा है, 1.4 मिल रहा है, तो सही है, यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर माइनिंग करेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जॉब्स जो है आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से इसका जो सेकेंड हमने या यहाँ पे रास्ता निकल सकता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर 1.2 या 1.1 1 से 1.1 से ऊपर गोल्ड अगर कहीं से मिलता है तो आप लोग के लिए अगर इसके साथ में प्रॉफिटेबल है, अगर इस टूल के साथ में आप लोग माइनिंग कर रहे हैं तो आप लोग को प्रॉफिटेबल होगा। एंड 1 के नीचे अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग जो है बिल्कुल भी वहां पे माइनिंग मत कीजिए, तो वो जो है आप लोग को लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, मैं जो माइनिंग कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा अभी यहाँ पे जो माइनिंग कर रहा हूँ मैं आपको दिखाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा यहाँ पे 1.15 के अंदर यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो है मैं मेरे वर्कर को जो है इस टूल्स के साथ में यहाँ पे मूव करूंगा एंड यहाँ पे देखूंगा प्रॉफिटेबल है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग मूव करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 35/4 ये जो प्लॉट के अंदर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.113 जो है यहाँ पे दे रहा है, लेकिन आपको वहां पे दिखाया गया कितना, 1.4। ठीक है, तो आप लोग को ये थोड़ा बहुत देखना है। एंड ये जो इसे चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम लोग जब जॉब क्रिएट करते हैं तो हमारा प्राइस जो है हम लोग यहाँ पे डालते हैं, लेकिन यहाँ पे पीजीएल की प्राइस जो है अप डाउन होता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लक्चुएट है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट जो है आप लोग कर सकते हैं टूल्स के अंदर यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं टूल्स को। अगर आप लोग यहाँ पे ओरे को माइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये भी एक प्रॉफिटेबल हो सकता है। एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओरे को माइनिंग कर रहा हूँ। एंड ये दो टूल्स है मेरे पास में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक टूल्स को मैंने जो है जॉब्स के अंदर यहाँ पे वार्प पे लगाया है, एंड एक टूल्स के अंदर यहाँ पे मैं जो है ओरे को माइनिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ओरे माइनिंग कर रहा हूँ तो लगभग मेरे को 3 आवर्स के अंदर तो यहाँ पे हम लोग माइनिंग पे लगाते हैं, लगभग 300 मिनट जो है हम लोग यहाँ पे वार्प करेंगे। एंड यहाँ पे वार्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कि आप लोग को कितना यहाँ पे ओरे जो है मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे टूल्स के साथ यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। एंड अप्रूव के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए हमारा माइनिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे ओरे के अंदर ये देख सकते हैं लगभग 3 केजी जो है, 3 केजी 3.029 केजी जो है हम लोग को यहाँ पे माइनिंग होगा। वो टाइमिंग क्या है, वो 5 आवर्स यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ये है। तो आप लोग अगर देखेंगे थ्री, यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेट के ऊपर चले जाते हैं, 3.029 इंटू सॉरी इंटू हमको यहाँ पे देखना है कितना, वो भी वही टाइम लेगा माइनिंग करने के लिए, लगभग 20 बार हम लोग यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं इंटू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 60.58 केजी जो है हम लोग यहाँ पे गोल्ड सॉरी ओरे जो है हम लोग यहाँ पे माइनिंग करेंगे, 60.58 केजी। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर एंड यहाँ पे ओरे के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओरे के अंदर चलते हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट नून करते हैं, ओरे को सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो सबसे ऊपर है 40 केजी 73 केजी, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं कितना है हमारा, 60.58। लगभग हम लोग यहाँ पे 60 डालते हैं, तो 60 डालते हैं तो हम लोग को लगभग जो है 2920 जो है हम लोग को ओरे जो है यहाँ पे माइनिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सॉरी 2920 जो है गोल्ड यहाँ पे हम लोग को माइनिंग हो रहा है, तो हमको जो है 2920 जो है यहाँ पे गोल्ड हमको अर्निंग होता है। एंड यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 26-2677, क्योंकि हमने जो है कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं हमको जो टूल्स दो चाहिए, तो जो दो टूल्स की कीमत है यहाँ पे हमने डाला है। एंड इसको माइनस करते हैं एंड इजिक्वल टू आप लोग देखेंगे लगभग जो है 243 जो है यहाँ पे सिर्फ जो है गोल्ड आप लोग को यहाँ पे माइनिंग हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप लोग थोड़ा सा इसको जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबल कब कब होता है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब देखिएगा यहाँ पे टूल्स जो है, ये देखिए यहाँ पे ये जो दो टूल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिएगा अगर ज्यादा से ज्यादा जॉब अगर यहाँ पे 1.1 के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो अभी जो है यहाँ पे ज्यादा जॉब्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ओरे के अंदर जो है आप लोग को प्रॉफिटेबल नहीं होगा।
वरना आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब देखेंगे कि यहाँ पे जॉब्स जो है थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि अभी मैंने जो है कल यहाँ पे प्लानिंग किया इस वीडियो के बारे में, लेकिन अभी जो देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा जॉब्स के अंदर जो है थोड़ा प्रॉफिटेबल ज्यादा आ गया है। तो या तो ये दो टूल्स के साथ आप लोग यहाँ पे जॉब्स के अंदर आके जो प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, या तो आप लोग जो है यहाँ पे ओरे को माइनिंग कर सकते हैं, कोल को माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन कोल अभी थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन ओरे के अंदर जो है आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिटेबल है अगर आप लोग माइनिंग करते हैं। लेकिन अभी जो है गेम थोड़ा घूम गया है, मैं वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे देख रहा हूँ मैं जॉब्स जो है यहाँ पे 1.5 के अंदर जो है यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, एंड बहुत सारा जॉब जो है यहाँ पे निकलने लगा है। तो ये मतलब अभी के टाइम पे आप लोग ये टूल्स के साथ जॉब के अंदर जो है माइनिंग कर सकते हैं, एंड अगर जॉब के अंदर आप लोग माइनिंग करते हैं तो आप लोग को जो है इतना जो है 3,800 जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, एंड अगर आप लोग इसको जो है ओरे के अंदर माइनिंग करते हैं तो आप लोग को अभी के टाइम पे ये 243 जो है आप लोग को माइनिंग जो है गोल्ड यहाँ पे यार्निंग होगा। लेकिन प्रॉफिटेबल अभी के टाइम पे जॉब के अंदर है, तो आप लोग अभी के टाइम पे जॉब के अंदर आप लोग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंड यहाँ पे यार्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए आपने इस टूल्स के साथ आप लोगों ने जॉब को क्रिए मतलब जॉब यहाँ पे देखा कि अच्छा जॉब है, तो आप लोगों ने क्या किया, ये दो टूल्स को आपने बाय किया, एंड यहाँ पे माइनिंग करने की मतलब जॉब की तरफ आपने भागे, लेकिन आपके पास में टूल्स है, लेकिन जॉब की तरफ जब भागे तो आपके पास में जो है यहाँ पे जॉब ज्यादा मतलब यार्निंग आपको नहीं दे रहा है, मतलब 1.1 की नीचे अगर यहाँ पे जॉब आ जाता है तो आप लोग उसी टूल्स के साथ ओरे को माइनिंग कीजिए, आपको जो है प्रॉफिटेबल उससे ज्यादा जो है आप लोग को होगा, एंड 1.2 1.4 की ऊपर अगर यहाँ पे रहता है तो आप लोग को जो है प्रॉफिटेबल यहाँ पे जॉब्स के अंदर मिलने वाला है। तो ये जो दो चीज है आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड सारे जो चीज के ऊपर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसको जो है कैलकुलेट करके अपना जो है यार्निंग को बढ़ा सकते हैं इस प्रोस्पेक्टर गेम के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरे को बताना कि आप लोग को जो है ओरे के अंदर अगर आप लोग माइनिंग करते हैं तो आप लोग को क्या प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। तो बेसिकली अभी जो है गेम थोड़ा घूमने लगा है, तो मैं अभी देख रहा था, तो क्योंकि मैं अभी यहां से माइनिंग कर रहा था कैलकुलेट करके, तो ये जो है ओरे के अंदर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिटेबल मेरे को दिख रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे गेम मूव हो गया है, एंड यहाँ पे जो है टूल्स के अंदर जो है प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है मतलब जॉब्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी के टाइम पे इस टूल्स के साथ में जॉब के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया इसकी नीचे आता है तो आप लोग ओरे को माइनिंग कर सकते हैं, एंड किसी भी टूल्स को आपको देखना है तो ये से ही कैलकुलेट करके आप लोग अपना जो है माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को बनाने में तो बहुत ही टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा, एंड किसी न्यू अगर किसी एनएफटी के बारे में जानना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर रिव्यू लाऊं, तो आप लोग का सपोर्ट अगर होगा तो आप लोग को जरूर इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा तो न्यू न्यू कंसेप्ट भी आपको लेके यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करके न्यू कंसेप्ट के ऊपर वीडियो जो है लेके आएंगे। बेसिकली हम जो है इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो जो है पहले भी ला रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे लोग जो है यहाँ पे इतना इंटरेस्टेड नहीं है एनएफटी के ऊपर, तो इसीलिए अभी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जो है यहाँ पे नहीं ला रहे। लेकिन मेरे चैनल के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने रिव्यू किया है, हालांकि मैं जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे काम करता हूँ या तो मैं खुद ही करता हूँ, तो उसी के ऊपर जो है ज्यादा वीडियो आप लोग को इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, एंड ऐसा नहीं है जिसके अंदर यहाँ पे 1,000 डॉलर 2,000 2,000 डॉलर 5,000 डॉलर इन्वेस्टमेंट करना है, इतना तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके ऊपर कोई गेम के ऊपर मैं नहीं लेके आता हूँ, जिसमें मैं रिजनेबल समझता हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए वही जैसा वैसे ही एनएफटी गेम जो है मैं सोच के यहाँ से लेके आता हूँ, ताकि प्रॉफिटेबल मैं भी हूँ ताकि एंड आप भी यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं जो है कोई ज्यादा जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर ज्यादा वीडियो जो है आप लोग को मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे एक्सी इन्फिनिटी हो गया, स्टेपिन अभी आया है, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके क्यों फंसे हम लोग। ठीक है, जहाँ पे 100-200 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो उसी वैसे ही जो है मैं एनएफटी गेमिंग के ऊपर मैं लेके आता हूँ, बेसिकली ज्यादा हम खुद ही नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो किसी दूसरे को क्यों उसके अंदर फंसाए, तो मेरा मकसद यही रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते तो यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा वीडियो यहाँ पे दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ पे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे को इस गेम में बहुत ही बढ़िया लगता है, एंड इसमें खेलने का मजा ही कुछ आ रहा है। अगर किसी गेम के अंदर अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है काम करने के लिए, तो आप लोग को कुछ इंटरेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये एक माइनिंग जैसा
फार्म है एंड ऐसे मतलब यहाँ पे घर है, बहुत बढ़िया शानदार लगता है इस गेम को प्ले करने के लिए। हालांकि यहाँ पे यार्निंग जो है थोड़ा सा कम आपको अभी यहाँ पे हो रहा हो, लेकिन ज्यादा यार्निंग के चक्कर में आके आप लोग अगर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी वहां पे उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ वही यहाँ पे जो है मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।